नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का लास्ट पद, तो आइए पढ़ा जाए। हरि है राजनीत पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी युग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू हुते चुराए। ते के अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाए सताए। तो प्रसंग पूर्वत ही रहेगा, सॉरी संदर्भ पूर्वत रहेगा। आइए इसके पहले दो लाइनों का भावार्थ पढ़ते हैं। पहले शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद भावार्थ देखते हैं। हरि माने श्री कृष्ण, राजनीत माने चालाकी, पढ़ी माने पढ़ना, आए माने आए, समझी माने समझना। मधुकर यहाँ उधो के लिए है। सब ले माने लेके, पाए माने आए। तो पढ़ते हैं, हरि माने श्री कृष्ण, राजनीत पढ़ियाए, मतलब एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण ने तो, हरि है राजनीत पढ़ियाए, श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति सीख ली है, अर्थात श्री कृष्ण ने अब चालाकी सीख ली है। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, हरि माने श्री कृष्ण, राजनीत माने राजनीत, पढ़ियाए माने सीख ली है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण ने अब राजनीत सीख ली है। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब यहाँ उधो के लिए है, भौंरा। मधुकर उधो जी को एक भौंरा के रूप में यहाँ कहा गया है। समाचार सब पाए, एक गोपी कह रही है, एक गोपी कह रही उसमें से कि यह भौंरा अर्थात उधो समाचार सब पाए, जो यह समाचार सुना रहा है। समझी बात कहत, क्या तुम इस बात को समझ रही हो, क्या तुम इस बात को समझ रही हो। गोपी कह रही है कि यह भौंरा अर्थात उधो जो समाचार सब पाए, जो सब समाचार सुना रहा है, क्या तुम समझी बात कहत, क्या तुम इस बात को समझ रही हो। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, एक माने एक, तो अति माने अत्यधिक, चतुर माने चालाक, होते माने थे, पहले माने पहले, एक तो मतलब श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे। श्री कृष्ण तो पहले से ही क्या थे, चतुर थे। एक तो श्री कृष्ण पहले से चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं, और अब तो उन्होंने राजनीति भी सीख ली है। गुरु ग्रंथ माने राजनीति भी सीख ली है। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि माने उनकी बुद्धि, बुद्धि माने उनकी बुद्धि, श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ी माने इतनी बढ़ गई है। यह इस बात से जानी माने अनुमान, यह इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है, यह इस बात से अनुमान। एक गोपी कह रही है कि उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि जानी माने अनुमान, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि योग संदेश पढ़ाएं, कि वे खुद ने आकर उद्धव को योग संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया है। एक बार और देखो, बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी, उनकी माने श्री कृष्ण की बुद्धि इतनी बढ़ गई है, यह इस बात से जानी माने अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि योग संदेश पढ़ाएं, कि वे खुद ने आकर उद्धव को योग संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, गोपी कह रही है कि उद्धव भले लोग, हे उद्धव जी, आगे के लोग मतलब पहले ज़माने के लोग, पहले के लोग भले होते थे, पर हित दौलत धाए,
दूसरे के हित माने कल्याण के लिए, दौलत माने दौड़ते फिरते रहते थे, मतलब दूसरे के कल्याण के लिए दौड़ते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, अब माने अब अपने माने अपना मन फेर पाए ले माने पा लेना चाहती हूँ। हे उद्धव जी, मैं अपना मन पा लेना चाहता हूँ, मैं अपना मन पा लेना चाहती हूँ। चलत जू होते चुराए, चल जू माने जो, होते माने थे, चुराए माने चुराए थे, मतलब जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे थे, जो हमारा मन चुरा लिए थे, मैं उसको अब पा लेना चाहती हूँ, मैं उस मन को पा लेना चाहती हूँ। अब अपने मन फेर पाए चलत जो। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो जो हमारे मन को चुरा लिए थे, मैं उसको अब पा लेना चाहती हूँ। ते माने वे, क्यों अनित करे अपन जे, और वे अनित माने अन्ना, वे हमारे साथ, अपन माने हमारे साथ, वे हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। जे और अनित छुड़ाए, जो अन्याय को छुड़ाने वाले हैं, जो अन्याय को खत्म करने, अन्याय को खत्म करने वाले हैं, वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाय सताए, गोपियां सूरदास के माध्यम से कह रही हैं कि यह तो राजा का धर्म नहीं है। तो माने तो यह माने यही, मतलब यह तो राजा का धर्म नहीं है कि वह प्रजा को सताए। धन्यवाद।